भाई साहब 2023 में बहुत तगड़ी तगड़ी मूवीज़ आने वाली हैं। पूरा का पूरा 2023 ही मूवीज़ के मामले में तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। देखो भैया, इस साल बॉलीवुड के तो लगे पड़े थे। गिनी चुनी फिल्मों के अलावा बॉलीवुड की सारी फिल्में बारी बारी से बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल बॉलीवुड ने कोई अच्छी फिल्म ही नहीं दी दर्शकों को। खैर, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करते हैं। आज बात करेंगे हम उन मूवीज़ के बारे में जो या तो बहुत ही ज़्यादा बिग बजट है या बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है। सीधे बताऊँ तो बिग बजट एंड मोस्ट अवेटेड इंडियन मूवीज़ जो 2023 में आएंगी। पहले नंबर पर आती है पठान। 2023 की शुरुआत ही इस फिल्म से होगी। 25 जनवरी को रिलीज होगी ये फिल्म और 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे। तो बस इसके अंदर जबरदस्ती की देशभक्ति ना हो, वो इसलिए क्योंकि फिल्म में एक रॉ एजेंट की स्टोरी दिखाई जानी है। और बाकी इस फिल्म का जितना बायकॉट हुआ है उस हिसाब से तो ये भी तय नहीं है कि ये फिल्म चल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि हमने लाल सिंह चड्ढा का बुरा हाल होते हुए पहले ही देख लिया है। अब बात करें फिल्म के बारे में तो इसका बजट है 250 करोड़ के आसपास, जो कि काफी सही है। और साथ ही ये वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म होगी। इसके पहले एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर रिलीज हो चुकी है। और एक सीक्रेट बात बताऊं तो इसमें सलमान खान का कैमियो भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर आती है बैरस द गार्जियन ऑफ द गामा स्ट्रेजर। ये फिल्म 2022 के दिसंबर में आने वाली थी, मगर पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अब इसे इस साल मार्च में रिलीज किया जाएगा। होनी थी भाई, पिक्चर का बजट 250 करोड़, ऐसे ही थोड़ी ना पहुंच गया होगा। बैरस में मोहनलाल लीड रोल प्ले कर रहे हैं, प्लस इसे डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया है। पैसे वाले लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं। पिक्चर में बैरस नाम का एक गार्जियन 400 साल से वास्को डी गामा के खजाने को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो उसको गामा साहब के सच्चे वंशज को ही देगा। ये फिल्म सैम नाम के नॉवल से अडॉप्ट की गई है, प्लस इसमें मोहनलाल भी हैं तो चांसेस अच्छे हैं कि फिल्म अच्छी ही होगी। तीसरे नंबर पर आती है पोनियन सेल्वान 2। हाँ, पोनियन सेल्वान का सीक्वल भी 2023 में ही आएगा 28 अप्रैल को। बजट है इसका 500 करोड़, नहीं सिर्फ इस फिल्म का नहीं, दोनों पार्ट्स को मिलाकर। अब पहले पार्ट का कितना है, दूसरे का कितना है, ये आप देख लो। इस फिल्म में इसकी स्टोरी खत्म हो जाएगी और इसके बाद इसका शायद और कोई सीक्वल तो नहीं आएगा। चौथे नंबर पर आती है हनुमान। ये 2023 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। भाई कब से वेट कर रहे थे इसका यार, शुरू में लगा था ये 2022 में रिलीज हो जाएगी, लेकिन रिलीज होने की तो दूर की बात है, ट्रेलर तक नहीं आया भाई 2022 में। हाँ ये ट्रेलर नहीं है, टीजर है, मगर इसमें भी रिलीज डेट नहीं बताई गई। मगर अब जब टीजर आ ही चुका है तो पिक्चर भी इसी समर तक रिलीज हो ही जाएगी शायद। बाकी इसका बजट क्लियर नहीं है, 10 से 50 करोड़ के बीच में कहीं भी पकड़ लो। पांचवे नंबर पर आती है जवान। एक और फिल्म है सारके की, पठान के बाद जवान। ये फिल्म अच्छे खासे बजट में बन रही है, 180 करोड़ बजट है इसका। और इसको इसका बजट नहीं बल्कि इसका डायरेक्टर स्पेशल बनाता है, जो है एटली। उन्होंने थेरी, मार्शल और बिजल बनाई है। तीनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विजय है, क्योंकि इन तीनों में ही विजय है। जवान में एसआरके के अलावा विजय सेतुपति भी हैं, जो कि विलन का रोल प्ले करेंगे। और एक टॉप सीक्रेट बात बताऊं तो इसमें एसआरके का डबल रोल भी हो सकता है भाई साहब। लेकिन इसका अनाउंसमेंट टीजर एकदम धांसू था और उसके बीजीएम ने तो मजे दिला दिए भाई। लेकिन अभी इसके रिलीज को टाइम है, लगभग 6 महीने का, क्योंकि ये फिल्म 2 जून को रिलीज होगी। छठे नंबर पर आती है आदि पुरुष। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिल्म क्यों है इस वीडियो में, तो भाई सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूं। आदि पुरुष सिर्फ और सिर्फ अपने बजट की वजह से है इस वीडियो में। यार 500 करोड़ की पिक्चर को कैसे मिस कर देते इस वीडियो में। हाँ माना कि लगता नहीं है कि ऐसी फिल्म का बजट इतना होगा, लेकिन अब है यार तो क्या ही कर सकते हैं, कलयुग चल रहा है। ये फिल्म पहले जनवरी में रिलीज होती, मगर इसके VFX को इतनी ज्यादा गाली पड़ी कि इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ गई और अब ये फिल्म 16 जनवरी को रिलीज हो। सातवें नंबर पर आती है सलार। आदि पुरुष के बाद प्रभास की दूसरी फिल्म, मगर ये आदि पुरुष से बिल्कुल अलग है। उसे लोग गाली दे रहे हैं और इसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वेट तो करेंगे यार, पिक्चर KGF यूनिवर्स की जो है। अब ये तो सबको पता ही होगा कि KGF एक मूवी यूनिवर्स बन चुका है और सलार इसका ही पार्ट होगी। और इसको भी KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही डायरेक्ट किया है। इसका बजट 200 करोड़ है और ये फिल्म 28 सितंबर को थिएटर्स में लगेगी। आठवें नंबर पर आती है प्रोजेक्ट के। ये भी प्रभास की फिल्म है। हाँ, और अगर सब कुछ सही रहा तो आदि पुरुष सलार की तरह प्रोजेक्ट के भी 2023 में ही रिलीज होगी 18 अक्टूबर को। लेकिन थोड़े बहुत चांसेस है कि ये फिल्म डिले होकर रिलीज होगी 2024 में, क्योंकि इस पिक्चर का बजट बहुत ज्यादा है, 500 से 600 करोड़ के भी। वो अलग बात है कि इसमें से 100 से 150 करोड़ सिर्फ प्रभास की फीस होगी। देखो यार, प्रोजेक्ट के की हाइप बहुत ज्यादा है और वो लोग भी इसे एज अ साईफाई मूवी प्रमोट कर रहे हैं, तो यार मैं नहीं चाहता कि इसका हाल भी आदि पुरुष की तरह हो। अगर आप एक साईफाई मूवी बना रहे हो और वो भी 500 से 600 करोड़ के मैसिव बजट पर, तो VFX के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रो नहीं होना चाहिए। नवे नंबर पर आती है टाइगर 3। भाईजान 2023 में बहुत ही रफ्तार से आ रहे हैं। नहीं नहीं टेंशन मत लो, गाड़ी से नहीं आ रहे हैं। भाईजान की अगले साल 2 मूवी आएंगी। पहले किसी का भाई किसी की जान, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दूसरी है टाइगर 3, जो कि दिवाली पर यानी कि 12 नवंबर को आएगी।
हाँ ये पिक्चर थोड़ी स्पेशल है ऑब्वियसली क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट, क्योंकि पठान में भाईजान का कैमियो होगा एसआरके के साथ, तो चांसेस है कि वो भी एसआरके को पकड़ के ले आएंगे टाइगर 3 में कैमियो के लिए। टाइगर 3 का बजट भी 225 करोड़ के आसपास है पर पठान से कम है, पर इस स्पाई यूनिवर्स में स्टैंड अलोन मूवीज ही आएंगी। लेकिन ऐसे र्यूमर्स हैं कि जल्द ही एक क्रॉसओवर मूवीज भी आएगी जिसमें एसआरके, सलमान और ऋतिक तीनों ही हों। 10वें नंबर पर आती है इंडियन 2। करंटली इसकी रिलीज डेट 14 नवंबर 2023 है, मतलब भाईजान की टाइगर 3 से सीधा मुकाबला, पर डिले भी हो सकती है फिर से, क्योंकि ये पिछले काफ़ी टाइम से डिले होती आ रही है और 2022 में भी इसे रिलीज़ करने का प्लान था पर प्लान सिर्फ प्लान ही बनकर रह गया। हालांकि इसका बजट भी तगड़ा है 220 करोड़ के आसपास, पर बजट चाहे जितना भी बढ़ा लो पर अगर पिक्चर रिलीज़ ही नहीं होगी तो उसका क्या फ़ायदा। 11वें नंबर पर आती है पुष्पा 2। 2023 में कोई फिल्म सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगी तो पुष्पा 2। पुष्पा द राइज पार्ट 1 17 जनवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। एक साल हो गए यार पिक्चर को आए, और अगर आपको याद हो तो उस टाइम कोविड का कमबैक हुआ था और ज़्यादातर थिएटर्स बंद थे, और उस टाइम में भी इसने 350 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। उसकी छप्पर फाड़ कमाई देखकर सीक्वल का बजट 350 करोड़ हो गया। लेकिन वेट बहुत लंबा करना है यार, 17 दिसंबर 2023 तक आएगी ये, फिर भी 2023 की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बनेगी भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी ले लो। वैसे भी तुम लोग एक साल बाद तो भूल ही जाओगे। 12वें नंबर पर आती है डंकी। 2023 में एसआरके की तीसरी फिल्म, मतलब देख रहे हो 4 साल की भड़ास एक ही साल में निकाली जा रही है। पठान, जवान और डंकी के साथ इसका बजट भी 100-150 करोड़ से कम क्या ही होगा। लेकिन इसके बजट की वजह से ये मोस्ट अवेटेड नहीं है। रीज़न तो है इसके डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जिन्होंने पीके, संजू 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्में बनाई हैं। वैसे डंकी के लिए थोड़ी प्रॉब हो सकती है क्योंकि ये फिल्म दिसंबर में आएगी और तभी पुष्पा 2 भी आएगी, तो देखो कौन अपनी रिलीज डेट को आगे बढ़ाता है। तो यार आज की लिस्ट तो यहीं ख़त्म हुई, लेकिन इसके बाद भी टॉप 5 कौन सी मूवीज़ हैं मेरे हिसाब से जो 2023 में फाड़ के रख देंगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो पर जाकर देख सकते हो। खैर इसका पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको प्यार मोहब्बत से प्रेस कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ देना। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए सायोनारा।